टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोकण और सांगली जैसे इलाकों में बाढ़ से जो तबाही मचाई है, उसके बाद से अब हर तरफ से इन बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के हाथ उठ रहे हैं। इस बाढ़ की तबाही में करीब 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 50 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं और 2,00,000 से भी ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोगों का तो अभी तक कुछ पता भी नहीं चल सका है। मगर वहीं इस मुसीबत की घड़ी में छोटी से बड़ी तंजीमें मदद के लिए आगे आ रही हैं और आम जनता भी इनके मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और इसी तरह से इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में जमीयतुल उलमा हिंद भी पहुंच चुकी है, लोगों की मदद कर रही है। मुमरा कौसा में भी जमीयतुल उलमा हिंद ने बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए लोगों से अपील की है कि आप ऐसे वक्त में जितना हो सके देकर मदद करें, और आपको ऐसे वक्त में मदद भी करना चाहिए। अगर आप बैंक के ज़रिए मदद करना चाहते हैं तो जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से ये बैंक अकाउंट का डिटेल दिया गया है जो आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बैंक के डिटेल्स हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप बैंक के ज़रिए मदद कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि मुमरा में जमीयतुल उलमा हिंद ने 5 जगहों को चुना है जहां पर आप मदद के तौर पर जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मुमरा रेलवे स्टेशन के पास हाजरा मस्जिद है, वहां भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा मुमरा के खड़ी मशीन रोड स्थित जो जमीयतुल उलमा हिंद का ऑफिस है वहाँ आप भी दे सकते हैं जो देना। इसके अलावा ग्लोबल पार्क में मस्जिद मास इब्ने जबल है, वहाँ पर भी आप जो कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और उत्तर शिव में भी एक मस्जिद है, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। इन 5 जगहों पर आप मदद के तौर पर पैसे या फिर बाल्टी, झाड़ू, साबुन, टावल, घर के इस्तेमाल में आने वाले कोई भी सामान आप देकर मदद कर सकते हैं। आपका दिया हुआ पैसा इन बाढ़ पीड़ित में जो लोग हैं उनके जो घर उजड़ गए हैं उन पैसों से एक बार फिर जमीयतुल उलमा हिंद इनके घर को दुरुस्त करेगी, इसलिए आप इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज मुमरा में जमीयतुल उलमा हिंद के तमाम उलमाओं ने एक मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग के दौरान जमीयतुल उलमा हिंद के मुमरा कौसा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने लोगों से क्या कुछ अपील की है और भी जो वहाँ पर इस मीटिंग में तमाम उलमा मौजूद थे उन लोगों ने क्या कुछ आपसे अपील की है सुनिए। मौलाना साहब, अगर कुछ लोग मदद करना चाहते हैं और आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसे डिटेल्स वगैरह जारी किए गए हैं जिससे लोग संपर्क करें और आपको कुछ देना चाहें तो दे सकें? मैं जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा की तरफ से बता रहा हूँ कि जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा की जो यूनिट है उसके 3 सेंटर 4 सेंटर बनाए गए हैं। उन 4 सेंटरों में जा कर के लोग अपनी इमदाद दे सकते हैं। पहला सेंटर है मस्जिद हाजरा मुमरा स्टेशन के सामने, और दूसरा सेंटर है ये जमीयतुल उलमा का दफ्तर जो है मेन खड़ी मशीन रोड पे, और तीसरा सेंटर है ग्लोबल पार्क की मस्जिद मस्जिद माज़ इब्ने जबल, और चौथा सेंटर है जो हमारे मुफ्ती अब्दुल बासित साहब की मस्जिद है उत्तर शिव में वो। और वैसे हमारे तमाम के तमाम जो मुमरा के अइम्मा किराम हैं, खासकर जो लोगों में ज़्यादा जाने माने हैं जैसे मौलाना अबू तालिब साहब जकरिया मस्जिद, मौलाना अब्दुलरशीद साहब मकसूद नगर की मस्जिद, और हमारे मौलाना शफीक साहब उनकी दुकान है शालीमार, और दारुलफला मस्जिद में भी हमारे जमीयत के कारकुन रहते हैं जैसे मौलाना अमजद हैं, मौलाना दफर हैं, वहाँ भी लोग दे करके अपना ताउन दे करके और रसीद वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है। और मेन काम तो जमीयतुल उलमा का, अभी देखिए ये जो वक्त चल रहा है इसमें हम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अभी घर सफाई है, चटाई है, झाड़ू है, साबुन है, तेल है और सरफ वगैरह है, ये हम लोग देंगे। लेकिन जमीयतुल उलमा का तो मेन काम बाज़ाबादकारी का है, इसके बाद जो है ये मरहला होगा। और इसके लिए हम जमीयतुल उलमा की तरफ से खासकर मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी, मौलाना हलीमुल्ला साहब कासमी,
गुलजार आदमी साहब, मुफ्ती यूसुफ साहब, इन लोगों की तरफ से ये अपील की गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन करें ताकि हम वहाँ पे सर्वे करके बाद आबादकारी का जो काम है उसको अंजाम दें। मुफ्ती साहब, जिस तरह से कोकन का जो इलाका है वहाँ पर तो राहत सामग्री भी जा रही है और भी अन्य इलाके जो बाढ़ से पीड़ित हैं, क्या आपकी जो जमातें हैं ये वहाँ पर भी कुछ मदद के लिए आगे जा रही हैं? ये जमीतुलमा महाराष्ट्र तो ऑल ओवर इंडिया रिलीफ का काम करती है, तो महाराष्ट्र के जो दीगर अजला है, सांकली है, कराड़ है, उस तरफ के जो इलाके सैलाब में मुतासर हो रहे हैं वहाँ भी हमारी रिलीफ ज़रूर जाएगी। अभी वहाँ के हालात, वहाँ की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी है, तो जैसे जैसे मालूम होगी तो वहाँ भी ये रिलीफ जाएगी। इसलिए जो अपील की गई है जमीतुलमा महाराष्ट्र की तरफ से, ऐसी मुमरा यूनिट के सदर अब्दुलवहाब साहब की तरफ से, तो उसमें तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि पूरे महाराष्ट्र में जो इस वक्त सैलाब की वजह से मुसीबत पड़ी हुई है और लोग मुश्किल हालात में हैं, उन तमाम के हालात को सामने रखते हुए, कोकण समेत उन तमाम इलाकों को सामने रखते हुए, अपने माली इमदाद में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, माली ताउन पेश करें ताकि सबको वो रिलीफ पहुँच सके वहाँ तक के। साहब, कुछ लोग इसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्या है कुछ आपके पास बैंकिंग अकाउंट? अभी जो मुखय्यरीन हजरात से ताउन वसूल करने की जो तरतीब बनाई गई है वो तरतीब यह है कि शहर के अंदर कुछ ख़ास नुमाइंदे जो जमीतुलमा कौसा मुमरा के फ़ाल रुकन हैं, सरपरस्त हजरात हैं, सदर सेक्रेटरी हजरात हैं, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैनर आवेज़ा किए जाएंगे बड़े, और कुछ मसाजिद के सामने छोटे बैनर, जिसमें उन जिम्मेदारों की डिटेल होगी, कॉन्टेक्ट नंबर होंगे। आप हजरात उससे भी अगर ताउन पेश करना चाहें तो कॉन्टेक्ट करके उन्हें ताउन पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से सदर साहब ने जैसा कि बताया कि 3-4 सेंटर कायम किए गए हैं, मस्जिद हाजरा, इसी तरीके से दफ्तर जो खड़ी मशीन रोड पर है, जमीयत के ऑफिस है, इसी तरीके से ग्लोबल पार्क की मस्जिद मुआज़ बिन जबल है, और उत्तर श्री मुफ्ती अब्दुल बासित साहब की मस्जिद है, ये इन मकामात पर भी जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर कोई करना चाहता है तो वो भी हमारे पास सहूलत अवेलेबल है, और उसके लिए जमीयतुलमा महाराष्ट्र, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे जमीयतुलमा महाराष्ट्र, तो उस पर उसका अकाउंट नंबर आएगा। अगर सहूलत के लिए, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आप रब्ता करना चाहते हैं तो जो शहर में होल्डिंग लगेगी, या ये कि इस वीडियो के ज़रिए से जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दिया जाएगा जमीयतुलमा महाराष्ट्र का, आप उसके ज़रिए से IFSC कोड और अकाउंट नंबर के साथ में डिटेल दी जाएगी, उसके ज़रिए से भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बस मेरी ये दरख्वास्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर हिस्सा लें। जमीयतुलमा पे आपने इससे पहले भी एतमाद किया है और एक मजबूत कॉन्क्रीट काम जमीयतुलमा करती है, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मरतबा जो हम बेड़ा उठा रहे हैं, आप ही के तआवुन से ये सारा काम आज तक होता आया है। इस आफत के अंदर कोकन और उसके अतराफ के इलाके जो सैलाब से मुतासिर हैं, उनके आप तआवुन करते रहें, और जमीयत को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस खसारे की हालत में भी, आप बुरी हालत जो मईशत की हिंदुस्तान में चल रही है, इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा माली तआवुन पेश करेंगे, अल्लाह आपको अज्र अज़ीम अता फरमाएगा।